हाय फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत आसान और मज़ेदार थ्री इंग्रेडिएंट डोनट कोई अंडा नहीं है कोई यीस्ट नहीं है तीन पैंट्री बेसिक इंग्रेडिएंट जो आपने सिर्फ़ मिक्स करने हैं और फॉरेन डोनट्स बना लेने हैं और आप इनको किसी भी तरह की टॉपिंग्स के साथ बना सकते हैं तो चलें अब आते हैं हम अपने मेन इन्ग्रीडियंट्स की तरफ इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा आधा कप मैदा आप इस रेसिपी को बहुत आराम से डबल या ट्रिपल या क्वा कर सकते हैं आधा कप मैदा लिया है मैंने और उसको बिल्कुल काट के लिए आप हीप्ड नहीं होना चाहिए हमेशा मेजरिंग कप्स या मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करें उसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर तीन चौथाई टी स्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर का क्वार्टर टी स्पून की मेज़र है यहाँ पर मेरे पास और उसको मैं तीन दफ़ा डालूँगी तो आपका तीन चौथाई यानी थ्री बाई फोर्थ टी स्पून बेकिंग पाउडर चला जाएगा इसके अंदर इन सब चीज़ों को अब आप हल्का सा मिक्स कर लें ताकि आपका मैदा और बेकिंग पाउडर आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए और आखिरी इंग्रेडिएंट जो है वो है यहाँ पे दही कोई सा भी दही आप ले सकते हैं और इसको भी आप ले, लेवल करके डालेंगे तकरीबन छः से सात टेबलस्पून जाएगा इसमें दही का अगर आपका दही बहुत थिक है या आपका मैदा ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी है उसकी तो शायद सेवन टेबलस्पून चाहे मैंने यहाँ पे छः टेबलस्पून डाले हैं उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है इतना कि ये जो है बैटर काफ़ी गीला बनेगा और आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक आपको कोई मैदा नज़र ना आए काफ़ी स्टिकी डो बनेगी ओवर मिक्स नहीं करना सिर्फ जब तक आपका मैदा जो है वो आपको बिल्कुल साइडों पे नज़र नहीं आएगा तब तक आपने इसको मिक्स करना है फिर मेरे पास यहाँ पे है एक सीलिंग uh, बैग कोई सा भी आप ले सकते हैं उसमें लगा रही हूँ मैं ये ऑयल इससे ये होगा कि आपका जो स्टिकी बैटर है वो चिपकेगा नहीं और बहुत आराम से आप इसको निकाल के यूज़ कर सकेंगे फिर इसमें आप अपनी डोको डाल दीजिए कोई वेटिंग टाइम नहीं है आपने मिक्स किया साथ ही इसको डाल दिया और अब हम अपने फ्राइंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे इसके बाद आप इसको इज़ भी बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास राउंड पाइपिंग टिप है तो वो मैं रिकमेंड करूँगी उससे ज़रा आसानी हो जाती है तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी कोई भी छुरी और उसको आप हल्का सा ऑयल में डिप करके इसको कट करेंगे तो आपके डोनट बॉल्स जो बॉल्स हैं या डोनट होल्स जो हैं वो बन जाएंगे और जो आपका ऑयल है वो मैंने मीडियम हीट पे करके उसको थोड़ा सा लो कर दिया था बेसिकली जो आपके डोनट बॉल्स हैं उसके साइड पे आपको इस तरह से सिमरिंग ऑयल नज़र आना चाहिए और आपने इसको तीन से चार मिनट के लिए पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते और बहुत ज़्यादा ओवरफिल भी मत कीजिएगा इसका साइज़ भी आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं अगर आपको बहुत छोटे चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं तकरीबन 12 से 15 बनेंगे थोड़े से जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं फिर यहाँ पे मैं ब्राउन शुगर के अंदर डाल रही हूँ गरम डोनट्स निकालते साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे आप इसके अंदर कोई सा भी ग्लेज यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको अपनी दूसरी डोनट की रेसिपी जो ओवरनाइट नो नी डोनट्स हैं उसको मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ उसमें मैंने जितने ग्लेस बनाना बताए हैं आप वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पर ईज़ के लिए और बहुत जल्द और करने के लिए मैंने इसको सिर्फ ब्राउन शुगर में डाला है आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं और ऊपर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सॉस डाली थी जो बाज़ार से मिलती है ये थी आज की रेसिपी ये रेसिपी बेसिकली एमा गुडी से इंस्पायर्ड थी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट